प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार के अंतिम दिन पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इस बार का चुनाव साधारण नहीं है, ये चुनाव देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। पायलट ने साथ ही कहा कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही सकारात्मक चुनाव प्रचार हुआ है। प्रदेश भर में करीब 100 रैलियां की गई है और इन रैलियों के माध्यम से प्रदेश में 3 माह के सरकार के कामकाज के आधार पर जनता से वोट की अपील की गई है। और इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज जनता सवाल पूछ रही है कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने प्रदेश के लिए क्या किया है, लेकिन दिल्ली से आने वाले नेता ये बताने में नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि पिछले दिनों में नेताओं के भाषणों में जिस तरह की गिरावट आई है वह देश के लिए एक चिंता का विषय है। और हम सभी लोगों ने कांग्रेस का